अगर आप भी चाहती हैं प्रेगनेंसी तथा बच्चों से जुड़ी हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान, तो सब्सक्राइब करें हेल्पिंग गाइड टीवी को और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू हेल्पिंग आई टीवी। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में स्वस्थ बच्चे के जन्म का सबसे बड़ा महामंत्र होता है आपका खुश रहना। आप खुश रहें तो आपका बच्चा भी खुश रहता है और हेल्दी पैदा होता है, और जन्म के बाद भी वह खुशनुमा ही रहता है। ऐसे में अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर तनाव में रहेंगी या रोती रहेंगी, तो ये आपके और आपके शिशु के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका रोना आपके शिशु पर क्या प्रभाव डाल सकता है, आज की वीडियो में हम कुछ इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जो महिलाएं प्रेगनेंसी में ज़्यादा बात बात पर रोती हैं या हद से ज़्यादा चिंता करती हैं, तो उनके बेबी के कोलिक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कोलिक से मतलब होता है शिशु जन्म के बाद बहुत ज़्यादा रोने चिड़चिड़ा स्वभाव का शिशु का हो जाना, और ये चीज़ उसके दिमाग पर भविष्य में गहरा असर डाल सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें दिमाग पर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती हैं। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहती हैं तो आपका बेबी भी बहुत ही हंसमुख स्वभाव का पैदा होता है। यदि आप रोती हैं, चिड़चिड़ाती हैं या चिंता लेती हैं, तो आपके शिशु के माइंड में भी वो चीज़ें बन जाती हैं। इसलिए डॉक्टर भी हमेशा प्रेगनेंसी में खुश रहने की सलाह देते हैं, और आपको भी खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए, ताकि आपका बच्चा एक स्वस्थ सुंदर जन्म ले सके, क्योंकि आप एक माँ हैं। दूसरी बात, ज़्यादा रोने से या तनाव लेने से बच्चे का अच्छा शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है। रोना या तनाव लेना आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और आपको इस बात का पता भी नहीं चलता है, जो कि आपकी डिलीवरी और आपके शिशु के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसलिए आपको खुश रहने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही खुश रहने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।